पार्टी ने अपनी हार को देखते हुए मनोहर लाल को बचाने का काम किया है। बढ़िया काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तू मुख्यमंत्री बदलते भाई। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारियों के समस्या सुनने के उपरांत एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की गलत नीतियों से व्यापारी लूट रहा है और किसान पीट रहा है। आज प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता भाजपा सरकार से बेहद दुखी है और मुक्ति चाहती है। हरियाणा में भाजपा की सरकार जाने वाली है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बजरंग गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे का ठेका राजस्थान की याशी कंपनी को 18 करोड़ 11 लाख रुपए का दिया था, जबकि प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे 95% गलत हुआ है। सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे करवाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सरकार ने लगभग 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट करके करोड़ों का घोटाला किया है। अपनी हार को देखते हुए मनोहर लाल को बचाने का काम किया ताकि आर का ठिकरा मनोहर लाल पे ना फूटे, और वो तो भाई बलि का बकरा बना दिया सैनी साहब को। मैं जा बेटा चर्जा सूली पे, बलि करे भगवान। बस हकीकत तो स्थिति है, आप बता दो क्या सुनना है। चूड़ा साफ है, अगर इतना ही बढ़िया काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों मुख्यमंत्री बदलते भाई। यूं कहा करते एक साल पहले तो खुले तौर पे ये एक बात कहा करते थे। आपको ध्यान होगा कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव करेंगे, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे, 10 की 10 सीटें हम लोकसभा में जीतते कहा। वो लोकसभा में पहले मनोहर लाल को उठाना पड़ा, इसका मतलब ये था उनको वोट मिल चुकी थी। हरियाणा के अंदर टुकड़ा साफ है, मनोहर लाल को हटाना पड़ेगा। उसने मनोहर लाल जी ने जाते जाते अपना एक चेला था जिसकी वाइफ जिला परिषद के चुनाव के अंदर जमान जब्त करवा गई थी, सैनी साहब की वाइफ तसल्ली कर लेना। और एक बात और कहता हूं, जिसका कमांडर हार रहा हो लाडवे के अंदर, खुद मुख्यमंत्री हार रहा है, आज जाके सर्वे करवा लो, चेक करा लो, उसकी फौज क्या लड़ेगी। लोग मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मैं चुनाव नहीं ले लूंगा। आप रोहतक की ले लो, यही मंत्री लोग कह रहे थे मैं तो चुनाव को ले लू, ये खुद ही कह रहा था। आपके सामने है क्या स्थिति रही है, आप सब जानते हो। हालात इनके जमा टुकड़ा सौदा साफ है। आप यहां से चले जाओ डावाली से लेकर फरीदाबाद पलवल तक चले जाओ, आपको नूर लगेगा ग्राउंड साफ है। आप दिल्ली से लेके आप पंचकुला तक जाओगे तो भी आपको साफ मिलेगा, भिवानी से लेके आप कैथल तक जाओगे तो अड़ंगाइन का साफ मिलेगा। एक सीट तो बता दे भी, मुंह कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री का नाम ले रहा हूं, मतलब मुख्यमंत्री नाम ले रहा हूं। करनाल की सीट थी जो मुख्यमंत्री पक्की सीट है, मेरी परंपरा सीट है, वहां वो कैंडिडेट आगे लग रहा है करनाल में। आनंद की तसल्ली जाके कर लो। रोहतक से अर्थ प्रकाश के लिए सुखराम पाल की रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।